78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी देश की आन बान और शान का जश्न। इसी जश्न में शामिल होने ठीक 10 साल बाद बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे। तन पर सफेद कुर्ता पैजामा, कुर्ते के एक जेब में हाथ और दूसरा हाथ लहराते हुए राहुल गांधी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लाल किले में कुछ इस अंदाज में दाखिल। बिल्कुल सधे हुए कदमों के साथ राहुल गांधी पारंपरिक सफेद कुर्ते में रेड कारपेट से होते हुए लाल किले में होने वाले समारोह स्थल पर पहुंचे। अभिवादन में लोगों के हाथ जोड़े और फिर लाल किले की सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़े। सीढ़ियां चढ़ते हुए भी राहुल गांधी ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक हाथ अपने कुर्ते की जेब में डाल रखी थी और आगे बढ़ रहे थे। राहुल गांधी की चर्चा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने भले ही 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से झंडा तोलन कर देशवासियों को संबोधित किया है, लेकिन 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नेता प्रतिपक्ष के तौर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ है। क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद 2014 से 2024 तक खाली रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस अवधि के दौरान किसी भी विपक्षी दल के पास इस पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सांसद नहीं थे। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के सीटों की संख्या 99 पहुंचने के बाद 25 जून 2024 को राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। राहुल गांधी का ये कॉन्फिडेंस उसी पद की गरिमा का हिस्सा है। हालांकि राहुल गांधी को लाल किले के समारोह में जो सीट अलॉट की गई थी उसको लेकर मोदी सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। आज लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी को पीछे की सीट पर बैठाया गया, ये घटिया मानसिकता, ओछी सियासत है। श्री राहुल गांधी जी देश की जनता के दिलों में सबसे आगे हैं। सरकार चाहे लाख पीछे बैठाए, लेकिन जनता के दिलों पर राहुल गांधी जी राज करते हैं। और जो दलील सरकार की ओर से दी जा रही है रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा कि आगे की सीटों पर ओलंपियन पदक विजेता खिलाड़ी को बैठाया गया था इसलिए आगे सीट नहीं मिली, ये किसी के भी समझ से परे है। जब आपके केंद्र सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री आगे सीट पर बैठे थे तो नेता विरोधी दल भी कैबिनेट मंत्री के रैंक के होते हैं, उनके लिए एक सीट लगा दी जाती राहुल गांधी जी के लिए। खैर, इन विवादों से बेफिक्र राहुल अपने अंदाज में लाल किले में दाखिल भी हुए और पहली पंक्ति न सही पांचवी पंक्ति में बैठकर भी पूरे उत्साह में दिखे। बाकी तो जनता है कब किसे कहां बैठा दे कौन जानता है।